नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है, गणित कक्षा 5 अध्याय 6 भिन्न की समझ। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भिन्न के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 5 अध्याय 6 भिन्न की समझ। इस अध्याय में अधिगम बिंदु हैं। पहला, समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से के रूप में। दूसरा, संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना। तीसरा, दशमलव संख्या। ये हम इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो पहला हमारा अधिगम बिंदु है 6.1, समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से के रूप में। तो विद्यार्थियों, पहले हम इसके बारे में सीखेंगे। विद्यार्थियों, मोहन और स्नेहा खाना खा रहे थे। खाना खाते समय दोनों की रोटी एक साथ ही समाप्त हो गई। तब उनकी माँ ने चूल्हे पर बनी रोटी को बीच में से तोड़कर दोनों को एक-एक टुकड़ा दे दिया। देखिए विद्यार्थियों, तुम बताओ, मोहन और स्नेहा की थाली में कितनी रोटी आई? रोटी कितनी थी? एक रोटी थी। देखिए विद्यार्थियों, कितनी रोटी थी? ये रोटी थी एक रोटी। एक रोटी को क्या किया? बीच में से तोड़ा और दो भाग कर दिए। एक रोटी को बीच में से तोड़ा, दो भाग कर दिए। एक भाग मोहन को दिया और ये एक भाग स्नेहा को दिया। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक को कितनी कितनी रोटी मिली? इस भाग को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? आधा आधा मोहन को मिला, आधा स्नेहा को मिला। विद्यार्थियों, आधे को हम 1/2 भी कहते हैं। आधे को क्या कहते हैं? 1/2। इसे भी मिला आधा। आधे को हम 1/2 कहते हैं या लिखते हैं 1/2। इसे हम 1/2, ये इसे हम पढ़ते हैं 1/2। स्नेह को भी कितना मिला? आधा, यानी 1/2। 1/2। सोचो, इसी प्रकार तीन रोटियों को मोहन और स्नेहा में बांटना हो तो उन्हें कितनी कितनी रोटियां मिलेगी? अब तीन रोटियां हो, अगर उन्हें इन दोनों में अगर बांटना हो तो कितनी कितनी रोटी मिलेगी विद्यार्थियों? देखिए, हम तीन रोटी बनाते हैं। एक, दो, ये हमने 1, 2, 3 रोटियां बनाई। अगर इन तीन रोटियों को मोहन और स्नेहा में बांटना हो तो कितनी कितनी रोटी मिलेगी? तब विद्यार्थियों, एक एक रोटी पूरी मिल जाएगी और ये एक रोटी के हमें आधे आधे करने होंगे। विद्यार्थियों, ये हैं मोहन और ये हैं स्नेहा। एक रोटी मोहन को मिली, एक रोटी स्नेहा को मिली। अब ये एक रोटी बची, इसे कितना कितना करना पड़ेगा? आधा आधा करना होगा।
ये हमने एक रोटी के दो भाग किए, ये एक भाग मोहन को और ये एक भाग स्नेहा को, कितनी मिल गई इसे? एक रोटी पूरी और आधी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एक प्लस 1/2, एक रोटी पूरी और ये इसका आधा भाग, आधे भाग को हम 1/2 कहते हैं। और स्नेहा को कितनी मिली? एक रोटी पूरी प्लस 1/2। तो विद्यार्थियों इसे हम 1 और 1/2 पढ़ते हैं, 1 और 1/2, और इसे हम 1 और 1/2 इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसे हम 1 और 1/2 इस प्रकार से पढ़ते हैं, या एक रोटी पूरी और आधी रोटी से 1 प्लस 1/2 इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1 सही 1/2। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जब एक रोटी को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं, तो प्रत्येक को मिलने वाली रोटी का टुकड़ा 1/3 या 1/3 बराबर 1/3 होता है। एक रोटी को यदि 3 बच्चों में बांटना हो, तब उसे हम क्या पढ़ते हैं? प्रत्येक हिस्से को 1/3 पढ़ते हैं। देखिए हम बनाते हैं एक रोटी, ये हमने एक रोटी बनाई, अब इसके हम 3 भाग करते हैं। ये हमने एक रोटी के 3 भाग किए, प्रत्येक हिस्से को हम, ये जैसे कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो इस प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहते हैं? 1/3, या इसे हम कहते हैं 1/3 या 1/3। आया समझ में? एक रोटी के 3 भाग किए, प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/3 या 1/3। इसी प्रकार से यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं, तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा 1/4 या 1/4 कहा जाता है। एक रोटी के यदि हम 4 भाग करें, विद्यार्थी रोटी बनाते हैं, ये हमने एक रोटी बनाई, इसके 4 बराबर भाग करते हैं, इस रोटी के हमने 4 बराबर भाग किए, इस प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? 1/4 या 1/4, 1/4 इसे पढ़ेंगे 1/4 या 1/4, 1/4 ये हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों यदि एक रोटी को 5 बच्चों में बांटना हो,
तो प्रत्येक को मिलने वाली रोटी कितनी मिलेगी? एक रोटी बनाते हैं और उसके हम 5 भाग करते हैं। ये हमने एक रोटी बनाई, इसके हम 5 भाग करते हैं। ये हमने 5 भाग किए, प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/5। इसे हम क्या कहेंगे? 1/5। चार रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटते हैं, प्रत्येक को कितनी रोटी मिलेगी? अब चार रोटियों को यदि 3 बच्चों में बांटना हो तो कितनी मिलेगी? तो आज हम चार रोटी बनाते हैं। एक, दो, तीन, और ये हमने चार रोटी बनाई। अब चार रोटियों को 3 बच्चों में बांटना हो तो विद्यार्थियों एक एक रोटी पूरी मिल जाएगी। फिर एक रोटी के हमें कितने कितने भाग करने पड़ेंगे? 3 भाग करने पड़ेंगे। चलिए हम इसके 3 भाग करते हैं, क्योंकि 3 बच्चों में एक एक रोटी उनको पूरी पूरी मिल जाएगी और एक रोटी के उनको 3 भाग करेंगे और प्रत्येक को एक एक भाग दे देंगे। तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी इनमें से? एक रोटी पूरी मिल जाएगी और एक रोटी में 3 भाग में से एक भाग मिल जाएगा, यानी 1+1/3 कितनी मिलेगी? 1+1/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/3। और पढ़ेंगे क्या? 1 सही 1/3। आया समझ में? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने रोटियों के भाग किए और समूह में रखी हुई वस्तुओं के हिस्से हमने किए और उन हिस्सों को भिन्न में किस प्रकार से लिखते हैं ये हमने समझा। तो विद्यार्थियों आप भी हमारे इस वीडियो को देख करके समझने का प्रयास कीजिए और आप खुद भी इन सवालों का, भिन्नों के सवालों का अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना हम बेहतर ढंग से गणित को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।